ये लड़की नाबालिग है, इसलिए इसका चेहरा साफ साफ हम आपको नहीं दिखा सकते। बिजनौर के गंज इलाके की रहने वाली इस लड़की ने आरोप लगाया है कि जब वो सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी तो गांव के ही शहजाद और आलम नाम के दो लड़के उसे तमंचे की नोक पर गन्ने के खेत में ले गए और फिर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। बाद में आरोपी लड़की को खेत में ही छोड़कर फरार हो गए। मैं सुबह 8 बजे स्कूल जा रही थी तो दो लड़के खड़े थे गन्ना खेत तक, उसमें मुझे लेकर चले गए थे और मुझे वहाँ बलात्कार किया। पीड़ित लड़की वारदात के बाद से ही सहमी हुई है। लड़की के घर वालों का कहना है कि आरोपी दोनों लड़के पिछले कई दिनों से लड़की के पीछे पड़े हुए थे। यही नहीं, आरोपी पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके थे लेकिन तब गांव वालों के समझाने बुझाने पर लड़कों को छोड़ दिया गया था। जो बड़ी लड़की थी उसके साथ भी उन्होंने काम ऐसे करे, अब फिर ऐसे कर रहा है। अब क्या कहे, पहले गाँव वालों ने फैसला करा दिया हमारा कि चलो छोड़ो लड़के का मामला, ब्याह ब्याह हो जाएगा, तो क्या कि इस वजह से हमने छोड़ दी थी बात। अब फिर इन्होंने हाथ मारा दोबारा तिबारा है। लड़की और उसके घर वालों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन दूसरा आरोपी आलम अब भी पकड़ से बाहर है। पुलिस उसे तलाश रही है। पीड़ित लड़की की मेडिकल जाँच भी कराई जा रही है।